आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामन देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं इजराइल के होने वाले उस हमले से जिसने पूरे गाजा में गदर मचा दिया। इस वक्त गाजा की 11 लाख आबादी के पास भागने के लिए सिर्फ महज 24 घंटे का ही वक्त बाकी है। उसके बाद इजराइल उत्तरी गाजा में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमास ने इजराइल को चैलेंज किया है, चुनौती दी है कि एक बार गाजा की जमीन पर आकर देखो, हमास इजरायली सेना की कब्र खुद देगा। इजराइल में युद्ध सरकार, हमास को दिया मृत्यु दंड। इस वक्त गाजा पट्टी में जितना भयानक खून खराबा हो रहा है उसका अंदाजा शायद दुनिया को नहीं है। 41 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास के हजारों लड़ाके इजराइल से जमीनी जंग करने के लिए बुरी तरह से मचल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमास चाहता है कि गाजा पट्टी में एक बार इजराइल के टैंक और पैदल सेना घुसे, फिर हमास और हिजबुल्ला के लड़ाके मिलकर उनसे आखिरी जंग करें। तबाही और बर्बादी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इजराइल और गाजा में 6000 से ज्यादा मौतों के बाद गाजा में भयानक चीखें और दर्द से भरी तस्वीरें दिख रही हैं। मटिया मेट इमारतें और मलबे से निकलती लाशें दिख रही हैं। उत्तरी गाजा में सर्वनाश, दक्षिण में भागो 11 लाख। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ये तो अभी मौत के तांडव की शुरुआत है। इजराइल और हमास की असली जंग अब शुरू होने जा रही है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में पर्चे गिराकर आदेश दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर गाजा खाली करो वरना मारे जाओगे। अब सवाल उठता है कि 24 घंटे में उत्तरी गाजा के 11 लाख बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष कैसे भाग पाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने गाजा पट्टी का पूरी तरह से सफाई का क्या प्लान तैयार किया है और हमास और हिजबुल्ला ने इजराइल से गाजा में आखिरी युद्ध करने का फैसला किस जगह पर किया है। हमास हिजबुल्ला का चैलेंज, हार जाएगा इजराइल। लेबनन का हिजबुल्ला और गाजा में हमास इस वक्त इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमास ने बंधक बनाए 13 और इजरायली नागरिकों को जान से मार दिया है। लेकिन इधर इजराइल और उत्तरी गाजा में जिस भयानक हमले को करने का फैसला किया है उससे गाजा के लोगों की रूह कांप गई है। आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि गाजा में इजराइल की आईडीएफ क्या करने जा रही है। इजराइल अपने 1 लाख सैनिकों, हजारों टैंक और सैकड़ों लड़ाकू विमानों के साथ गाजा के उत्तरी इलाके पर सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। दावे के मुताबिक इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख गाजा निवासियों को दक्षिणी गाजा की तरफ तुरंत भागने का आदेश दे दिया है। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर उत्तरी गाजा के निवासी 24 घंटे में नहीं भाग पाए तो बहुत से लोग इजरायली हमले में मारे जाएंगे। इजराइल उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के अड्डों का पूरी तरह से सफाया कर देना चाहता है। इसीलिए इजराइल के डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा में भयानक हमला करने का फैसला कर लिया है। इजराइल के इस हमले में टैंक से भयानक फायरिंग होगी जबकि एयर स्ट्राइक से उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के हर इमारत, कमांड सेंटर और अड्डों को इजराइल तबाह और बर्बाद कर देगा। यूएन ने इजराइल के इस फैसले को सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी वाला फैसला बताया है। उत्तरी गाजा में सर्वनाश, दक्षिण में भागो 11 लाख। सात अक्टूबर के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में 22,000 से ज्यादा इमारतों,
और बिल्डिंगों को तबाह कर डाला है। फिलिस्तीन और गाजा के सैकड़ों लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक पूरे गाजा में इजरायली हमलों ने कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी से 5 लाख के करीब गाजा निवासी जान बचाकर भाग गए हैं। इधर हमास ने गाजा पट्टी के कई लोगों को कई इलाकों में जबरन रोक दिया है ताकि इजरायल अंधाधुंध हमास के अड्डों पर हमला न कर पाए। हमास ने इजरायल के भीषण तैयारी को देखकर ऐलान कर दिया है कि इजरायल से अब असली जंग होगी। देखिए हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायल और समर्थन करने वाले देशों को क्या धमकी दी है। हमास की मिलिट्री विंग ने कहा है कि वो गाजा में इजरायल के जमीनी हमलों से निपटने में माहिर हैं। हमास के मिलिट्री विंग कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि हम अपने रक्षा के पहलुओं पर तैयारियों को फिर से दोहराते हैं। जमीन के जरिए दुश्मन पर कार्रवाई करेंगे। हमास नए घातक और खौफनाक विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसकी वजह से इसराइल को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसराइल जमीन पर हमास से नहीं जीत पाएगा। فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين. लेकिन सवाल ये उठता है कि इसराइल को क्या हमास और हिजबुल्ला मिलकर हरा पाएंगे, क्योंकि इसराइल की मोसाद और शिन बेट खुफिया एजेंसियों ने ना सिर्फ गाजा बल्कि ईरान, लेबनान और सीरिया पर भी हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मोसाद के खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में हमास के कमांडर वाइल अल जार्द को मार डाला है। इसके अलावा हमास का दूसरा टॉप कमांडर जवाद अबू शमाला भी मारा गया है। हमास का कमांडर जकारिया अबू मैम्र भी मारा जा चुका है। इसराइल सेना का यह भी दावा है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद दईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दईफ के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। 22 मुस्लिम देशों से बनी अरब लीग बहुत गुस्से में है इसराइल के हमले से। दरअसल वो इसराइल पर दबाव बनाकर इस युद्ध को रोकना चाहती है ताकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बर्बाद होने से बचाया जा सके। हमास हिजबुल्ला का चैलेंज, हार जाएगा इजरायल। हमास के लड़ाकों के बीच चीखता हमास का मुखिया इस्माइल हानिया अपने लड़ाकों को आखिरी जंग के लिए तैयार कर रहा है। उधर दूसरी तरफ लेबनन में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने भी साफ साफ इजरायल, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन ना समझे। हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तर दिशा से इसराइल पर भयानक हमले करने जा रहे हैं। लेबनन सीमा पर हिजबुल्ला के लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ हमले को तैयार हैं। इसराइल के उत्तरी बॉर्डर पर अचानक हमले की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमास किस दम पर दावा कर रहा है कि वो इसराइल को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जमीनी युद्ध में हरा देगा। जरा देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लड़ाके हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। हमास के पास 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग है। मिलिट्री विंग के चीफ है ईज अद दीन अल कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजू। इसके अलावा हमास का एक और खतरनाक लीडर है जिसे खालिद मशाल के नाम से जाना जाता है। हमास का मकसद है इसराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जहां ज्यादातर फिलिस्तीनी है, एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना और इस्लामिक देश की स्थापना करना। इसराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इसराइल ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि गाजा को तब तक खाना पानी और बिजली सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक कि हमास इसराइल के बंधकों को छोड़ नहीं देता। कुल मिलाकर इसराइल 24 घंटे में उत्तरी गाजा को पूरी तरह से रौंदने जा रहा है। अब देखते हैं कि इसराइल के इन हमलों का सामना हमास और उसके समर्थक